नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री पे। वर्ल्ड हिस्ट्री में आज हम बात करेंगे कि भारतीय क्रांतिकारी सिपाहियों ने 1857 क्रांति की शुरुआत कैसे की तथा शुरुआती दिन कैसे रहे। तो आप हमारे साथ बने रहें, शुरू करते हैं। उन्नीसवीं सदी के शुरुआती दशक के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के बड़े हिस्सों पर कब्जा हो गया था। जैसे जैसे ब्रिटिश शासक का प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे भारतीयों के बीच ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष फैलता गया। प्लासी युद्ध के 100 साल बाद ब्रिटिश राज के दमनकारी नीतियाँ और अन्यायपूर्ण शासन से लोगों में आक्रोश की भावना जग उठी थी। भारतीय लोग अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना चाहते थे। इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएँ घट चुकी थी, जैसे कि उत्तरी बंगाल में सन्यासी आंदोलन, बिहार में चुनार आंदोलन इत्यादि। 19वीं सदी के 5वें दशक तक कई जनजातीय विद्रोह भी हुए, जैसे मध्य प्रदेश में भीलों का विद्रोह, बिहार में संथालों का विद्रोह तथा उड़ीसा में गोड्स एंड खोर्स का विद्रोह। मगर इस सभी विद्रोहों का क्षेत्र सीमित था, जिसे अंग्रेजों ने आसानी से दबा दिया। मगर अब जो ये क्रांति होने वाली थी, जिसने अंग्रेजों की सल्तनत को डगमगाडोल कर दिया। 8 अप्रैल 1757 युवा सिपाही मंगल पांडे को अपने साथी अफसर पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। उसके कुछ ही दिन बाद मेरठ में तैनात 85 भारतीय सिपाहियों ने फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि युद्ध अभ्यास करने वाले करतूस राइफलों में सुअर और गाय की चर्बी का लेप लगाया जाता है। उन 85 सिपाहियों को अपने बड़े अफसर के हुक्म ना मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा सुनाई गई और जेल में डाल दिया गया। ये सुनते ही मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी। 10 मई 1857 को भारतीय सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर सिपाहियों को आज़ाद करा लिया गया। वहां मौजूद अंग्रेज अफसरों को मारकर उनके हथियार जब्त कर लिए गए तथा इमारतों और संपत्तियों में आग लगा दी गई। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों का शासन खत्म करने पर आमदा हो गए। हर घंटों में इनकी संख्या बढ़ती जा रही थी, मगर सवाल ये उठा कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया। देश की शासन मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को वो देना चाहते थे। मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की अंधेरी रात को घोड़ों पर सवार होकर दिल्ली पहुँच गई। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, तब दिल्ली में तैनात अंग्रेज सैनिक की टुकड़ियां ने इन पर हमला कर दिया, मगर इसमें भी अंग्रेज मारे गए। भारतीय सिपाहियों ने उनका हथियार गोला बारूद अपने कब्जे में लेकर इमारतों को आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले के दीवारों के पास जमा हो गए। वो बादशाह से मिलना चाहते थे, मगर बादशाह अंग्रेजों के भारी ताकत से दो दो हाथ करने को तैयार नहीं थे। लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार सिपाही जबरन बहादुर शाह जफर के महल में घुसकर उन्हें अपना नेता घोषित कर दिए। 82 साल के बादशाह को उनकी बात माननी पड़ी। देश भर के अलग अलग शासकों को उन्होंने पत्र लिखकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने को प्रेरित किया। बहादुर शाह जफर के इस एक कदम से गहरे परिणाम सामने आए। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में देखेंगे कि मेरठ के इन क्रांतिकारियों ने 1857 क्रांति को कैसे अंजाम दिया। वीडियो अच्छी लगी।